सबसे पहले हम लोग आते हैं, ये हमारा आइटम मास्टर कल हमने आरएम चढ़ाए थे, आप इसको अगर सिलेक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे अगर आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो क्या है, इसमें नीचे स्क्रीन पे हेलो। स्क्रीन शेयर कर दीजिए सर। हाँ हाँ ठीक कर देते हैं। ठीक है विजुअल है, हेलो। यस सर ठीक है तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सारे आरएम वगैरह और हमने एफडी कल चढ़ाए थे तो उसी के हमें एचएसएन कोड डालने हैं। दूसरा क्या करना है, अगर आप एचएसएन कोड डाल रहे हैं तो साथ में क्या होता है, अगर आप इस पे टैक्स कोड अभी अगर डाल देंगे तो क्या होगा, जब सिस्टम में आप कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा टैक्स कोड उठ के आएगा। सपोज दैट कि आपने यहाँ पे गए हैं और परचेज साइकिल चलाना है, आपने परचेज ऑर्डर बनाना है, यहाँ पे क्लिक किया, जैसे ही आप ये क्लिक करेंगे, अच्छा डॉक्यूमेंट सीरीज नहीं बना हुआ, ओके, तो उस केस में जब आप आइटम सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका टैक्स कोड उठ के आएगा। ये भी यार एक सरदर्दी नहीं है, डॉक्यूमेंट सीरीज भी बनाना होगा अपने को। पोस्टिंग पीरियड तो हमने बना लिया था, डॉक्यूमेंट सीरीज मैं बना दूंगा सर। कब बनाओगे, दिक्कत तो वही है, परचेज ऑर्डर ये है, बाय डिफॉल्ट पकड़ा हुआ है, ब्रांच ये है, बस इसको अलाउट कर दिया और इसको चलने देते हैं, डिफॉल्ट तो चल ही जाएगा। सेल्स ऑफ परचेज ऑर्डर हो गया, जब आप बनाओगे तब बनाना, तब तक हम बाय डिफॉल्ट से काम चला रहे हैं, साइकिल तो चलाना ही है ना, तो बाय डिफॉल्ट लेंगे तो हमारा चल जाएगा। बाकी आप देख लेना, जब आप बना लोगे तो ये ओके हो जाएगा। ये हमने ब्रांच बना रखा है एक, बस हम क्या कर रहे हैं सभी पे ब्रांच को अलाउट कर रहे हैं, जब ब्रांच अलाउटमेंट हो जाएगा तो ये आपका डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। ऐसा है सेशन के बाद कोई लोग लो और इसको 1 घंटा 2 घंटा जब लगे आप बैठ के इसको बनाओ, डॉक्यूमेंट सीरीज बनाओ। उसके बाद मैंने और भी कुछ बोले थे, क्या बचा हुआ था, मेरे भी माइंड से उतर गया है, जो सब भी काम पेंडिंग पड़ जाता है उसको निपटाओ, नहीं तो होगा क्या, अल्टीमेटली सारा कोर्स खत्म हो जाएगा, आप लोग वहीं के वहीं रहोगे, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तभी सीखोगे, अगर सीखना चाहते हैं तो आप ही को करना पड़ेगा, मैं करूंगा तो कोई फायदा नहीं है आपको, है ना, मुझे फायदा है, मुझे तो वो चीज़ आता ही है, मैं बार बार वही चीज़ करने का क्या फायदा है। सर कल ऑफिस रहेगा आपका? कल नहीं, कल मेरा ऑफ रहेगा, सैटरडे संडे ऑफ रहता है, आप ले सकते हो ऑफिस टाइम, ठीक है सर, कल लेते हैं। ठीक है। वही बोल रहे हैं जनरेट करने के लिए सबसे ज़्यादा वो डॉक्यूमेंट पोस्टिंग पीरियड में हमने वो कर रखा है ना, सेशन ले रखा है हमने, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कर दिया, उस पर भी करने होंगे। अभी जो चल रहा है मार्च चल रहा है ना, 22 23 का लास्ट महीना ये चल रहा है, यहाँ पे ये सेशन है, इस पे हमें बाय डिफॉल्ट लेना पड़ेगा प्री इंडिकेटर, अब ये चल जाएगा।
ये देखिए स्क्रीन खुला। अब जैसे ही आप इस पे किसी भी वेंडर को सेलेक्ट करेंगे और आइटम आप लेंगे, ठीक है, आइटम बीपी कोड, बीपी तो हमने डाल रखा है ना। अच्छा, वेंडर भी नहीं पड़ा इसमें, ओनली कस्टमर ही पड़ा है। ओ यार, पेंट था, वेंडर डालना था वेंडर अभी तक नहीं पड़ा इसमें। जी सर, वेंडर कल डालूंगा सर, मैं डालूंगा। चलो ठीक है, ऑर्डर खोला हमने। जैसे ही किसी कस्टमर को, ये देखिए सारे कस्टमर पड़े हुए हैं, हमने किसी कस्टमर को सिलेक्ट किया और आइटम को सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे आइटम जो आप सिलेक्ट करेंगे तो आइटम तो आएगा, लेकिन इसके साथ टेक्स्ट कोड अभी आपको लगाना पड़ेगा मेल हुआ नहीं। अब ये टेक्स्ट कोड भी नहीं बना हुआ तो टेक्स्ट कोड बनाना पड़ेगा। यदि आप इस पे चाहते हैं कि हम जैसे ही आइटम सिलेक्ट करें ऑटो टेक्स्ट कोड उठ के आए कि इस आइटम पे कितना टेक्स्ट कोड लगेगा और क्या, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस पे टेक्स्ट डिटर्मिनेशन करके हम आइटम के साथ ही मैप कर देते हैं कि इतना परसेंट का टेक्स है, और उसमें जब टेक्स्ट डिटर्मिनेशन कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली जैसे ही आप आइटम सिलेक्ट करें यहाँ पे टेक्स्ट कोड आएगा। उसके जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, आप मेरा जो पहले से मैंने डेवलप कर रखा है उसको मैं दिखा रहा हूँ कि कैसे हो रहा है, वो चीज़ें इसमें करनी है। तो हमें क्या करना होगा, इसको टेक्स्ट डिटर्मिनेशन करना पड़ेगा, और आइटम पे हमें एक यूडीएफ फील्ड बनाते हैं, यूडीएफ स्टैंड फॉर यूजर डिफाइंड फील्ड। तो यूजर डिफाइंड फील्ड बना के उसको हम मैप करेंगे टेक्स्ट कोड के साथ, तो हमारा ये चीज़ें काम करने लगा। जैसे देखिए मैंने एक बना रखा है अपना सिस्टम में, जो डेटाबेस मैं यूज़ करता हूँ जनरली अपनी कंपनी के लिए कोटेशन वगैरह बनाने के लिए, उसमें आपको मैं दिखा रहा हूँ। जैसे ये है, अगर मैं इस पे सेल्स ऑर्डर बनाऊंगा, आप देखिए सपोज दैट, क्योंकि सिस्टम का मतलब है सिस्टम जो हो शुड बी क्या करे, हमारे काम को इजी कर दे और सिंपल कर दे। तो हम जैसे यहाँ पे कोई कस्टमर लेते हैं, किसी भी कस्टमर को हमने सिलेक्ट किया, और यहाँ पे जब हम आइटम सिलेक्ट करेंगे, कोई भी आइटम आप सिलेक्ट कीजिए, तो ऑटोमेटिकली उस पर टेक्स्ट कोड उठ के आएगा। सपोज दैट आपने ये लिया, ठीक है, ये आइटम पे टेक्स्ट कोड है मैप या नहीं है मुझे पता नहीं, मैं वो आइटम लेता हूँ जिस पे मैंने मैप कर रखा है, जिसमें नहीं डाल रखा है, नया आप लोगों को एग्जांपल देने के लिए बता रहा होगा। अब ये देखिए जैसे कि ये है बैटरी, ये यहाँ पे टेक्स्ट कोड मैप नहीं है, यहाँ बना के हमने दिखाया थे। देखिए यहाँ पे जैसे ही हम आएंगे, सपोज दैट ये आइटम 12% का, हम इसको 12% अपडेट कर देते हैं, इस पे अपडेट नहीं कर रखा है, यही फील्ड बनाना है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, यूजर डिफाइंड फील्ड बोलते हैं। यहाँ पे अगर हम इस आइटम पे ये डिफाइंड कर दे कि ये आइटम 12% के कैटेगरी का है, अब रही बात कि जैसे ही हम आइटम सेलेक्ट करेंगे तो अब 12% क्या हो सकता है, या तो आईजीएसटी आएगा या सीजीएसटी, एसजीएसटी कम्बिनेशन स्टेट और सेंट्रल का जो कोड चलता है वो आएगा, ठीक है। अब इसी आइटम को आप कॉपी कीजिए, अब आपने अपडेट कर दिया ना, अपडेट करने के बाद अब जब आप देखिए यहाँ पे हम आए और फिर से इस आइटम को सेलेक्ट करेंगे, रिमूव कर देता हूँ डिलीट रो, और फिर से इसी आइटम को हमने डाला, तो देखिए क्या होगा, अपने आप यहाँ पे आईजीएसटी 12% उठा के ले आया सिस्टम। कैसे लाया सिस्टम, क्या कर रहा है, ये आईजीएसटी ये है तो आपको दिखाओ ये कोड क्या है, आईजी ये आपका स्टेट वाला कोड है, आईजीएसटी देखिए देखिए आईजीएसटी था ना लगा हुआ, आई ये है आईजीएसटी 12% ये है यहाँ वाला, तो जीएसटी है, आईजीएसटी नहीं जीएसटी, देखिए जीएसटी 12% कौन सा कोड है, जीएसटी, जीएसटी 12% ये है, मतलब स्टेट का 6% और सेंट्रल गवर्नमेंट का 6% लगा हुआ है इसमें। तो ये क्यों लाया, जीएसटी क्यों लाया, आईजीएसटी क्यों ने लाया, तो वो इस वजह से लाया कि सिस्टम खुद खुद फाइंड करता है कि ये जो कस्टमर है उसका लॉजिस्टिक एड्रेस क्या है। अब यहाँ पे देखिए ये जो है 601 ये 01, यार ये आपका यूपी का ही है एड्रेस, इसका जो कस्टमर का जो एड्रेस है बिल टू शिप टू एड्रेस जो है वो आपका उत्तर प्रदेश का ही है, जिस वजह से क्या हो रहा है कि ये जो सेंट्रल और स्टेट वाला जो हाफ हाफ चलता है एसजीएसटी सीजीएसटी वो लेके आ रहा है। यहाँ पे देखिए ये एड्रेस पड़ा होता है, यहाँ पे राजनगर है इंडिया, उत्तर प्रदेश,
तो जब और कंपनी भी क्या है आपका यूपी में ही है, तो ऑटोमेटिकली सिस्टम क्या कर रहा है, सीजीएसटी और एसजीएसटी लेके आ रहा है। अगर हम यहाँ पे सपोज दैट कस्टमर को चेंज कर दे और कस्टमर हम कर ले दिल्ली का ले आए, तो ऑटोमेटिकली ये क्या कर लेगा, चेंज कर देगा। अब जब आप इस आइटम को सिलेक्ट करेंगे तो दिल्ली के कस्टमर के, जैसे कि मैं कोई दिल्ली का कस्टमर हो तो मैं उसको उठाता हूँ, ये ले लेते हैं, ये हरियाणा का है तो इसको मैंने सिलेक्ट किया जैसे ही। अब आप इस आइटम को रिमूव कीजिए और फिर से इसको सिलेक्ट कीजिए। अब इसी आइटम को आप क्या कीजिए, डाल दीजिए। अब देखिए ये क्या लगा, ये भी यहीं का है, लाल सिंह लॉजिस्टिक, अच्छा बरेली का है। मुझे चाहिए आउट ऑफ द स्टेट वाला कस्टमर, जितेंद्र वीरेंद्र जिन्हें कृषपाल, ये कहाँ का है पता नहीं, एड्रेस देखने पड़ेंगे। हाँ अमृतसर का है। देखिए अब इसके केस में अगर हम लेते हैं तो देखिएगा अभी जो आपका कॉम्बिनेशन वाला लेके आ रहा है एसजीएसटी सीजीएसटी, जैसे ही अब हम इस आइटम को सिलेक्ट करते हैं, इसको मैं डिलीट मार देता हूँ, डिलीट रो, अब फिर से मैं इसी आइटम को जब सिलेक्ट करूंगा तो देखिएगा ये आईजीएसटी उठा के लाएगा। क्यों, क्योंकि तो अमृतसर क्या हो गया आउट ऑफ, ये देखिए अब ये आईजीएसटी 12% लाया। अभी क्या ला रहा था, सेंट्रल और गवर्नमेंट का कॉम्बिनेशन ला रहा था, अब क्या लाया स्टेट का आईजीएसटी, ये 12%, पहले क्या ला रहा था ये जीएसटी 6%, ये तो ये कौन कर रहा है, सिस्टम खुद डिसाइड कर रहा है। कैसे डिसाइड कर रहा है, हमने इसमें उस तरह से डिटरमाइन कर रखा है, सिस्टम को इन्फॉर्मेशन दे रखा है, उसी हिसाब से ये ला रहा है। तो हमें क्या करना है, जो हमारा डेटाबेस है उसमें भी यही फेनोमेना इसमें लगाना है, ठीक है, कि जब हम कोई भी सेल्स ऑर्डर बनाए या परचेज ऑर्डर बनाए तो इस तरह से ऑटोमेटिकली आइटम पे आईजीएसटी सीजीएसटी हमें सोचना ना पड़े, अपने आप सिस्टम उसको फेचअप करके लाएगा, ठीक है। तो वो काम करने हैं, तो वो काम करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पे आइटम मास्टर पे आके हमें यूजर डिफाइंड फील्ड बनाने पड़ेंगे। तो यूजर डिफाइंड फील्ड कैसे बनाते हैं, तो वो देखिए यहाँ पे आएंगे टूल्स पे आएंगे, ठीक है, और ये आएंगे कस्टमाइज टूल्स। ध्यान दीजिएगा कस्टमाइज टूल्स में आने के बाद आप आ जाएंगे यूजर डिफाइंड फील्ड मैनेजमेंट पे। यहाँ पर जब आएंगे तो देखिए मास्टर डेटा, आइटम मास्टर क्या है, मास्टर डेटा है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो इसमें देखिए कहीं पे आपको दिखेगा आइटम मास्टर, यहाँ पे है आइटम, है ना, आप इस पे क्लिक कीजिए, ये देखिए आइटम्स है ना, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए तो जीएसटी रेट ऑलरेडी इसमें बना हुआ है, ये हमने यूडीएफ बना रखा है, यहाँ पे अपडेट करेंगे तो ये ऐसे खुल के आता है, जीएसटी रेट के नाम से हमने यूडीएफ बना रखा है, ठीक है, रेगुलर वैलिडेटेड। और यहाँ पे हमने क्या किया है, जितने भी आपका जीएसटी टैक्स रेट होते हैं उसको वैल्यू को डाल रखा है, 0%, 5%, 12%, 18, 28, यही जीएसटी रेट होता है, इसको हमने वैलिडेट कर दिया है। वैलिडेट कर देने से क्या होगा, जब हम आइटम पे इस फील्ड को खोलेंगे तो अभी आपने देखा था ड्रॉप डाउन में ही आ रहा था, तो वैसे ड्रॉप डाउन में क्या होगा, हम ये सारे वैल्यू दिखाएंगे। तो वो चीज़ें हमने यहाँ पे आइटम पे मैप, अब यहाँ पे जैसे ही आप आइटम मास्टर ओपन किया और आप जब यहाँ पे आएंगे और यूजर डिफाइंड फील्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ओपन होगा, ये देखिए। अब इसको जब हम ड्रॉप डाउन करते हैं, जितना भी हमने वहाँ पे वैलिडेट किया था वैल्यू, वो सारे वैल्यू क्या हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है। अब हमें करना क्या होगा, जो भी पार्टिकुलर आइटम बनाएंगे उस पे हमें बस वन टाइम इंफॉर्मेशन देना है कि वो आइटम किस कैटेगरी का है, 12% का है कि 5% का है या 28% का है, और उसके बाद क्या करेगा सिस्टम, जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे उस ट्रांजेक्शन में अपने आप वो आईजीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी उठा के लेके आएगा। तो वो काम इसमें कर रहा है, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग, समझ में आ रहा है या फिर उड़ रहा है दिमाग से, गौर साहब? सर आइटम मास्टर में सर हम लोग कैसे इसको डिफाइन करेंगे, क्योंकि हाँ पार्टी तो कहीं की भी हो सकती है ना, आइटम मास्टर पे तो सिर्फ हम परसेंटेज डाल रहे हैं कि पार्टी 12% का है कि 5% का है कि 2% का, सॉरी 0% का है, सिर्फ हम परसेंटेज डालेंगे, ठीक है। सिस्टम क्या करेगा, पार्टी का एड्रेस देखेगा कि पार्टी का एड्रेस जो है सेम स्टेट का है कि अदर स्टेट का है। अगर पार्टी का एड्रेस सेम स्टेट ठीक होगा है तो लेके आएगा स्टेट और सेंट्रल वाला कॉम्बिनेशन एसजीएसटी सीजीएसटी उठा के लेके आएगा। यदि सिस्टम को मिलेगा कि जो पार्टी जो है अदर स्टेट का है तो उसके इसमें क्या लेके आएगा, आपका आईजीएसटी वाला उठा के लेके आएगा।
अच्छा, तो सर ये यहाँ पे, इसमें हाँ सिस्टम जो है ना ऑटोमेटिकली चेंज करेगा इसको। ऑटोमेटिकली चेंज करेगा, हम उसका टेस्ट डिटरमिनेशन करेंगे, कैसे करेंगे वो अभी आपको दिखाएंगे, ठीक है, कि कैसे करना। चलिए पहले उसी को कर ही लेते हैं, उसके बाद हम जीएसटी वो करेंगे, ठीक है। तो हम करते हैं, और दुर्गेश सर, दुर्गेश सर लगता है सर नहीं अवेलेबल है। संजय, संजय हाय सर। हाँ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर, आ रहा है थोड़ा थोड़ा सर। थोड़ा थोड़ा आ रहा है, चलो अभी करेंगे तो सब समझ में आ रहा है। दुर्गेश सर नहीं है सर लगता। देखिए हमने क्या कर रखा है, आप जब आएंगे पहले वाला जो सिस्टम है मेरा, इसमें एक टर्म है टैक्स डिटरमिनेशन। यहाँ पे आप आइए, यहाँ पे आके और सर्च कीजिए टैक्स डिटरमिनेशन, टैक्स कोड डिटरमिनेशन, तो आपको ये आएगा टैक्स कोड डिटरमिनेशन के नाम से एक ऑप्शन आएगा टैक्स कोड डिटरमिनेशन। यहाँ जब आप क्लिक करेंगे तो दो तरफ से हमने इसमें मैपिंग कर रखे हैं। एक हमने किया है ब्रांच, यहाँ पे हमने सिस्टम को बताया है कि ये हमारा ब्रांच है, स्टेट कोड यूपी होगा, उत्तर प्रदेश जब होगा इस पे क्या देगा 0%, 5%, 0% के साथ में ये उठाएगा नील जीएसटी, जब 5% होगा तो सीजीएसटी, सीएसजीएसटी 5%, मतलब कॉम्बिनेशन वाला। यहाँ पे मैंने इंफॉर्मेशन दिया है कि आप ब्रांच यूपी है, और जब आपको यूपी स्टेट का कोई पार्टी मिलता है या इस तरह का मिलता है तो आपको ये सारे कोड ही उठाने हैं। किसके वजह पे? जब 0% हम डालेंगे तो नील जीएसटी उठाएगा, जब 5% हम डालेंगे तो सीजीएसटी एसजीएसटी 5% उठाएगा, 12% जब हम डालेंगे आइटम के साथ तो वो जीएसटी 12%, मतलब सीजीएसटी एसजीएसटी 12% वाला कॉम्बिनेशन उठाएगा, 18% तो ये, और 28%। तो सिस्टम को हमने पहले से इंफॉर्मेशन दे रखा है कि अगर आप देखो आइटम पे कि 5 पर 5 लिखा हुआ है जीएसटी रेट में तो तुमको ये उठाना है, 12 लिखा हुआ है तो ये उठाना है, ठीक है, 18 लिखा हुआ तो ये उठाना है। उससे पहले सिस्टम क्या करेगा, स्टेट कोड को चेक करेगा, ये जो स्टेट कोड है वो यूपी का है कि नहीं। अगर हमारा कस्टमर या वेंडर स्टेट कोड यूपी में है तभी वो इसके 5 के जगह पे 5 ये कोड उठा के लाएगा, क्लियर। अगर सपोज दैट सिस्टम को ये पता चलेगा, दूसरा हमने ये मैप कर रखा है कि सिस्टम को ये पता चले कि स्टेट, यहाँ पे देखिए हटा रखा है मैंने कि स्टेट यूपी नहीं है, यूपी के अलावा कोई और स्टेट है, एनीवन कोई भी है, तो उस केस में 0 के जगह पे क्या लाएगा, आईजीएसटी 0% लेके आएगा, 5 के जगह पर क्या करेगा, आईजीएसटी 5% लाएगा, और 12 के जगह पर क्या करेगा, आईजीएसटी 12% लाएगा। तो सिस्टम इस बेस पे चल रहा है, इसी तरह से ये काम कर रहा है। कुछ समझ में आया नहीं आया? हमने टैक्स यस डिटरमिनेशन में दो सेक्शन हमने बना रखे हैं, ठीक है, तो इसी बेस पे ये पूरा सेक्शन चल रहा है। किसी को कोई डाउट है, अभी क्वेश्चन है तो पूछो आप। सर, एक आइटम कोड बना के ना उस पे थोड़ा दिखा दीजिए ना मैं अभी अभी ये। करूंगा, नया वाला डेटाबेस में मैं एक नहीं अनेक आइटम बनाऊंगा, ठीक है, उस पर मैप करके आपको उठा के दिखाऊंगा। अभी आपने देखा